हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू हम आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाएंगे। आज का हमारा यह वीडियो हिमाचल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यह वीडियो हिमाचल के इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर है। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ पॉलिसी मेकर्स, पैनल या एकेडमिशियंस ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पायरेंट्स भी इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट एज इकोनॉमिक सर्वे एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है तो ये बहुत लेंदी होता है और आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, तो इसलिए हम आपका बर्डन कम करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे थ्रू एमसीक्यूज लेके आए हैं। इसमें जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप सारे एमसीक्यूज अच्छे से करते हैं तो आपका इकोनॉमिक सर्वे इजिली कम्प्लीट हो जाएगा और आप इसमें से फुल मार्क्स ले पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं HP इकोनॉमिक सर्वे 2019-20। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे किसके थ्रू डेवलप किया जाता है। तो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 किसके थ्रू, इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट का नेम याद रखिए, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। और सर्वे में होता क्या है, सर्वे में पिछले 12 मंथ्स की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिव्यू होता है और इसमें हमें गवर्नमेंट के पॉलिसी इनिशिएटिव्स एंड स्टेट इकोनॉमी का इनडेप्थ एनालिसिस मिलता है। अब हम इसके एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ग्रोथ रेट वाज एक्सपेक्टेड टू अचीव इन द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 अकॉर्डिंग टू द सर्वे। आपने बताना है कि इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग करंट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में HP की ग्रोथ रेट कितनी एक्सपेक्ट की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, 5.6। इकोनॉमिक सर्वे के एडवांस एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग HP की ग्रोथ रेट 5.6% एक्सपेक्ट की गई थी जो कि लास्ट ईयर से 1.5% लेस है, बिकॉज लास्ट ईयर जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 7.1% थी। और अगर ये इस ग्रोथ रेट की बात करें तो इसमें मेनली प्राइमरी सेक्टर एंड कम्युनिटी एंड पर्सनल सर्विस सेक्टर के कारण हुई है। सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ रेट डिक्रीज हुई है, ये ओनली 3.9% है। और इसका रीजन जो बताया जा रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में स्लो डाउन बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेक्टर हैज शोन मैक्सिमम इंक्रीज इन टोटल स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपने बताना है किस सेक्टर का मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। सो इसका आंसर है ऑप्शन 1, कम्युनिटी एंड पर्सनल सर्विसेज सेक्टर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The gross state domestic product of Himachal Pradesh at constant prices, और ईयर कौन सा लिया गया, 2011-12, for the year 2018-19 is estimated at ₹- crore। आपने बताना है हिमाचल का gross state domestic product 2018-19 के लिए कितना है। आपने बताना है हिमाचल प्रदेश का gross state domestic product ईयर 2018-19 के लिए कितना estimate किया गया है और ये कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर देखना है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, 1,17,851 करोड़। फ्रेंड्स, एग्जाम में डायरेक्टली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछ लेते हैं तो आप ये फैक्ट्स लर्न कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2019 द फ्लैगशिप बिजनेस इवेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश was organized at dash। आपने बताना है द ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2019 जो कि एक बिजनेस इवेंट है वो HP में कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, धर्मशाला। फ्रेंड्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक बिजनेस इवेंट है और HP स्टेट के थ्रू फर्स्ट टाइम इसे आयोजित किया गया है। पहला इवेंट है वो 7-8 नवंबर 2019 को हुआ था धर्मशाला में और इसके इनॉग्रेशन के लिए PM नरेंद्र मोदी खुद आए थे और इसकी ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम भी आई हुई थी। इस इवेंट का एम क्या है, इस इवेंट का एम है कि HP में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना सो डेट की जो फॉरन इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो जाए और मैन्युफैक्चरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी बूस्ट मिले। UAE इसमें ब्रांड पार्टनर था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके HAS के मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मेंस की सीरीज हम बाद में स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम ये सारी स्कीम्स और सारे जितनी भी मीटिंग्स होंगी उनको सारा कवर किया जाएगा।
तो इसके लिए आप इसको ध्यान में रखिए कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिम प्रगति ऑनलाइन पोर्टल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपने बताना है कि ऑनलाइन पोर्टल हिम प्रगति निम्न में से किससे रिलेटेड है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है, इट इज फर्स्ट ऑप्शन, फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टर्स थ्रू ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ MOUs. MOUs means Memorandum of Understanding. जब ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई थी तो उस टाइम पे ऐसा फील किया गया कि एक ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए जिसमें इन्वेस्टर्स को एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिल जाए और MOUs को ऑनलाइन ही मॉनिटर किया जा सके। तो इसके लिए क्या हुआ कि HP गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रगति मॉडल से इंस्पायर होके हिम प्रगति ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया। इसके थ्रू क्या होता है, जो डिफरेंट परियोजनाएं हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट के डिफरेंट डिफरेंट जो इश्यूज रहते हैं उनको क्या होता है कि इजीली सॉल्व किया जा पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज द नोडल डिपार्टमेंट इन द स्टेट टू फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द SDGs फ्रेमवर्क इन हिमाचल प्रदेश। आपने बताना है हिमाचल प्रदेश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट करने वाला डिपार्टमेंट कौन सा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन टू, प्लानिंग डिपार्टमेंट। फ्रेंड्स, आप खुद भी ट्राई किया कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, इससे आपको क्वेश्चंस को लर्न करने में और भी ज्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने पिक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें लिखा हुआ है प्लानिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि किसके साथ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यहाँ पे है इसकी पिक्चर, ताकि आपको याद रहे कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो SDGs को इम्प्लीमेंट करता है। सो दैट इज द प्लानिंग डिपार्टमेंट इन HP। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में टोटल 17 गोल्स हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के ही एक्सपेंडेड गोल्स हैं, जो 2015 में एक्सपायर हो गए थे और बाद में 1 जनवरी 2016 से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्टार्ट हो गए थे, जो 31 दिसंबर 2030 में एंड हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और फिर से पूछ सकते हैं, इसलिए आप ये सारी इंफॉर्मेशन लर्न रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द दृष्टि हिमाचल प्रदेश 2030 स्टेट विजन डॉक्यूमेंट 2030, विच गोल इज लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम SDGs। आपने ये बताना है दृष्टि हिमाचल प्रदेश 2030 के अकॉर्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से कौन सा गोल छोड़ दिया गया है। मीन्स इसके जो 17 गोल है उनमें से कौन सा ऐसा गोल है जिसको कि छोड़ा गया है। सो इसका आंसर है ऑप्शन टू, गोल नंबर 14। देखिए फ्रेंड्स, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल 17 है और इसमें से गोल नंबर 14 को छोड़ा गया है HP गवर्नमेंट के द्वारा। बिकॉज अगर देखें तो गोल 14 जो है वो किससे रिलेटेड है, मैरीन लाइफ से रिलेटेड है, और HP क्या है, एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, तो इसकी वजह से इसको छोड़ दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सर्वे बिटवीन 1993-94 एंड 2011, रूरल पॉवर्टी इन हिमाचल प्रदेश डिक्लाइंड फ्रॉम 36.8% टू -%। आपने बताना है 1993-94 से 2011 के बीच रूरल पॉवर्टी कितनी डिक्लाइन हुई है, 36.8% से कितने परसेंट हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर है 8.5%, दैट इज ऑप्शन 3। और ये जो डिक्लाइन है वो फोर फोल्ड डिक्लाइन है, मीन्स 93-94 से फोर फोल्ड डिक्लाइन हुआ है रूरल पॉवर्टी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सर्वे इन 2011-12 अबाउट -% ऑफ रूरल वुमेन इन HP रिपोर्टेड देमसेल्व्स एज बीइंग एम्प्लॉयड। आपने ये बताना है कि 2011-12 में कितनी परसेंट ऑफ रूरल वुमेन ने खुद को एम्प्लॉयड डिक्लेयर किया है। इसका आंसर जो है, दैट इज 63% फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे सिक्किम में है। एंड जिस तरह से ये बताया गया है कि 63% HP वुमेन्स ने, रूरल वुमेन ने अपने आप को डिक्लेयर किया है एज बीइंग एम्प्लॉयड, तो ये आता है सेकंड नंबर पे, जो ऑल इंडिया लेवल से 27% ज्यादा है। फ्रेंड्स, ये हम सारी बातें अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे बता रहे हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है तो हम इसको ऑथेंटिक मान सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर NFHS 4
दैट इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 इन हिमाचल प्रदेश अंडर 5 ईयर्स मोर्टेलिटी रेट मीन्स लेस देन 5 ईयर के मोर्टेलिटी रेट मीन्स मृत्यु दर इज डैश एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसको हम IMR भी बोलते हैं इज डैश. आपने बताना है लेस देन 5 का और IMR कितना मोर्टेलिटी रेट है. फ्रेंड्स जो लेस देन 5 है उनका मोर्टेलिटी रेट जो है वो 38 और IMR 34 है. मीन्स इसका आंसर है ऑप्शन 2 38 34. फ्रेंड्स समटाइम्स एग्जाम में डायरेक्टली IMR की डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है. IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसमें क्या लेते हैं लेस देन 1 ईयर के चाइल्ड लेके चलते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. विच बैंक इन हिमाचल हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस इन द स्टेट. वेरी इजी क्वेश्चन. कौन सा बैंक ऐसा है हिमाचल प्रदेश में जिसकी की सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज पंजाब नेशनल बैंक. अगर सर्वे की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग PNB जो है उसकी सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं स्टेट में एंड ये है अप्रोक्सीमेटली 338. सेकेंड नंबर पे SBI की है. थर्ड नंबर पे यूको बैंक की है. और अगर हम फ्रेंड्स प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में नंबर वन सबसे जो प्रेजेंस है वो HDFC की है और सेकेंड नंबर पे ICICI बैंक की है. तो फ्रेंड लार्जेस्ट के साथ ये सारा सीक्वेंस और प्राइवेट सेक्टर के में कौन है ये भी आप साथ में लर्न कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सर्वे अबाउट डैश परसेंट ऑफ द टोटल GSDP कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड सेक्टर. आपने बताना है टोटल GSDP में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का कितना परसेंट आता है. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3 12.73. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज लैंड होल्डिंग साइज इन द स्टेट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है ऑप्शन 2 1.00 हेक्टेयर्स. जो HP में एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है वो 1 हेक्टेयर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू 2010-11 एग्रीकल्चरल सेंसस हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल होल्डिंग्स बिलोंग्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल सेमी मीडियम एंड मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स रिस्पेक्टिवली. आपने बताना है जो एग्रीकल्चर सेंसस हुआ 2010-11 में उसके अकॉर्डिंग टोटल लैंड होल्डिंग का कितना परसेंट स्मॉल एंड मार्जिनल के पास है कितना सेमी मीडियम एंड मीडियम के पास है और कितना लार्ज फार्मर्स के पास है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1 87.95 11.7 1.34. फ्रेंड्स आई नो कि आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं और इसको कैसे याद करें. लेकिन फ्रेंड्स हमें अपने एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए ये फैक्ट्स लर्न करने ही पड़ेंगे. इवन कि अगर हम HAS मेंस की भी बात करें तो उसके लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहेंगे. जैसे कि हमें आंसर राइटिंग करना होता है एंड प्रीलिम्स में भी इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ऐसे राइटिंग में भी हम इसे यूज कर सकते हैं. इवन इंटरव्यू में भी इसका बहुत सारा यूज होता है. तो फ्रेंड्स प्लीज इसको आप जरूर अच्छे से लर्न कीजिए. जितने भी फैक्ट्स हैं आप साथ साथ में लर्न करने की कोशिश कीजिए. जरूर लर्न हो जाएंगे साथ में ही. और कोशिश कीजिए कि आप इसको अपनी एक फैक्ट्स वाली कॉपी के ऊपर आप इसको लिखना शुरू कीजिए. माय नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट एक्सेप्ट डैश. स्टेट की सारे डिस्ट्रिक्ट में सॉइल टेस्टिंग लैब्स एस्टैब्लिश की गई हैं. आपने बताना है कि कौन से ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे नहीं की गई है. तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 लाहौल स्पीति. फ्रेंड सॉइल टेस्टिंग लैब्स क्या होती हैं. सॉइल टेस्टिंग लैब्स होती हैं जहाँ पे क्या होता है फार्मर्स को सॉइल को टेस्ट करके बताया जाता है कि इसके अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स हैं और उसके बेसिस के ऊपर कौन सी क्रॉप्स उगाई जा सकती है और कितने फर्टिलाइजर्स हम उसमें ऐड कर सकते हैं. तो उसी बेसिस पे NPK वैल्यू भी निकाली जाती है और फार्मर्स को उसके बेसिस पे गाइड किया जाता है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्कीम इज लॉन्च्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर जीरो बजट फार्मिंग. जीरो बजट फार्मिंग के अंदर कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू. मीन्स HP गवर्नमेंट ने जीरो बजट फार्मिंग जैसी कौन सी स्कीम लॉन्च की है. सो इसका जो करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन 3 प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना. फ्रेंड्स चलिए देखते हैं जीरो बजट फार्मिंग होता क्या है. जो जीरो बजट फार्मिंग है इसको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी बोलते हैं. इस स्कीम का जो मेन एम है वो क्या होता है कि नेचुरल फार्मिंग करना मींस फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स के यूज को खत्म करना है. केमिकल बेस्ड जो कल्टीवेशन है उसको एंड करके एनिमल वेस्ट को यूज करना है. एनिमल वेस्ट तो फार्मर्स को फील्ड में ही मिल जाते हैं तो इससे क्या होगा जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होगी वो बहुत कम हो जाएगी मींस जीरो हो जाएगी. HP गवर्नमेंट ने भी इसी कॉन्सेप्ट को लेके
प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान स्कीम लॉन्च की हुई है जो कि नेचुरल फार्मिंग को इनकरेज करती है। इससे क्या होगा, एचपी के जो फार्मर्स हैं उनकी भी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो काफी कम हो जाएगी। इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है नेचुरल फार्मिंग करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट विच टू सेंटर्स टू टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर मॉडल फ्लावर कल्टीवेशन टू प्रमोट फ्लावर कल्टीवेशन। आपने बताना है कि फ्लावर कल्टीवेशन के लिए कौन से दो टू टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज ओपन की गई है। सो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री, महोगबाग एंड पालमपुर। फ्रेंड्स ये ब्यूटीफुल पिक्चर महोगबाग की है जहाँ पे फ्लावर कल्टीवेशन सेंटर एस्टेब्लिश किया गया है और ये पालमपुर की है। महोगबाग सोलन डिस्ट्रिक्ट के छेल एरिया में है और पालमपुर आप सब जानते हैं कांगड़ा में है। सो गवर्नमेंट इनकी फ्लावर्स की कल्टीवेशन के लिए एफर्ट्स कर रही है। सो गवर्नमेंट ने फ्लावर्स की कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए ये दो टिश्यू कल्चर लैब्स को एस्टेब्लिश किया है। फ्रेंड्स आपको डायरेक्टली इनके प्लेसेस के नेम पूछे जा सकते हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है वो भी पूछ सकते हैं, इवन आपको HAS मेंस में भी क्वेश्चन हो सकता है। तो डिफरेंट वे में क्वेश्चन तैयार करने की कोशिश कीजिए। इकोनॉमिक सर्वे में हमें सिर्फ फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बल्कि हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा बनती है। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर शीप ब्रीडिंग फार्म्स इन द स्टेट। आपने बताना है शीप ब्रीडिंग फार्म स्टेट में कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज ज्यूरी शिमला, ताल हमीरपुर, कराचम किन्नौर या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन फोर, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स ये याद रखिए कि ज्यूरी कहाँ पे पड़ता है, ताल कहाँ पे है, कराचम कहाँ पे है, क्योंकि ये प्लेसेस के नेम आपसे पूछ सकते हैं। ये जो ज्यूरी शिमला वाला है ये ऑलरेडी HAS प्री में पूछा जा चुका है, तो इससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगोरा रैबिट फार्म्स आर फंक्शनिंग एट कंडवरी कांगड़ा, नागविन मंडी, थर्ड ऑप्शन इज बोथ या फिर नन। सो आर आंसर इज थ्री, बोथ। देखिए फ्रेंड्स पिक्चर में आपको अंगोरा रैबिट फार्म्स दिखाई दे रहे हैं दोनों पिक्चर्स में, और यही अंगोरा रैबिट्स भी हैं। अंगोरा रैबिट्स जो है वो अपने वूल्स के लिए बहुत फेमस हैं और इनमें से लॉन्ग फाइबर्स निकलते हैं और बहुत अच्छी वूल बनती है फ्रेंड्स। और इसका एक ये भी इसकी इम्पोर्टेंस है कि इससे एलर्जिक रिएक्शन जो है वो बहुत कम होती है, और इसके अलावा ये गुड सोर्स ऑफ इनकम भी है, तो इसके लिए गवर्नमेंट इसको भी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉर्स एंड यक ब्रीडिंग फार्म्स एट लारी आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। आपको बताना है लारी में जहाँ पे हॉर्स एंड यक ब्रीडिंग फार्म्स हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। इसका आंसर है लाहौल स्पीति। फ्रेंड्स एक्चुअली स्पीति में गवर्नमेंट हॉर्सेस की जो ब्रीड है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रही है, तो इसके लिए ये फार्म्स बनाए गए हैं, और इसी फार्म के प्रीमाइसिस पे यक ब्रीडिंग फार्म भी बनाया गया है। माई नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंट्रोल ऑफ कंटेजियस डिजीजेस अंडर असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीजेस, नेम डिजीज फॉर विच फ्री वैक्सीनेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड टू लाइफ स्टॉक ऑनर्स। आपको बताना है इस प्रोग्राम के अंडर असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीजेस कौन सी डिजीजेस के लिए फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाता है लाइफ स्टॉक ऑनर्स को। सो आपको ऑप्शन दी हुई है फुट एंड माउथ डिजीज, रानीखेत डिजीज, सेप्टिशीमिया एंड रेबीज या ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, ये सारी डिजीजेस कवर की गई है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। HP मिल्क फेड हैज इंट्रोड्यूस्ड 45 मिल्क हिम गोरी विद विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिंस। आपने बताना है जो हिम गोरी है उसको कौन से विटामिंस के थ्रू फोर्टिफाई किया गया है। सो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री, A and D, विटामिन A and D। चलिए फ्रेंड्स पिक्चर में भी देख लेते हैं जो हिमगोरी है वो किसके साथ किसके थ्रू फोर्टिफाई किया गया है, इज नाउ फोर्टिफाइड विद विटामिन A and D। हिमगोरी जो है वो लोकल काउ मिल्क से ही बनाया गया है। इसमें HP मिल्क फेड ने टाटा ट्रस्ट एंड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ कोलेबोरेशन किया है और मिल्क को विटामिन A and D के साथ फोर्टिफाई किया है। फ्रेंड्स आई थिंक आपको फोर्टिफिकेशन का मीनिंग पता होगा, फोर्टिफाई क्या होता है।
कि जब हम किसी भी फूड या ड्रिंक में न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं जिससे कि उनकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। इसमें हम विटामिन्स ऐड कर सकते हैं, मिनरल्स ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो हम नॉर्मल डाइट लेते हैं उसमें हम कुछ न्यूट्रिएंट्स मिस कर जाते हैं। तो ये जब न्यूट्रिएंट्स उसमें ऐड कर दिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन, और ये क्या हो जाता है, हेल्दी डाइट हो जाती है फिर इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर थ्री स्पीसीज अलाउड फॉर सिल्वी कल्चरल ग्रीन फेलिंग बाय द परमिशन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एचपी गवर्नमेंट को कौन सी थ्री स्पीसीज को फेल करने की परमिशन दी है फॉर द सिल्वी कल्चर के लिए। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन वन, खेत, चिल एंड साल। अब फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं, सिल्वी कल्चर क्या होता है। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन सिर्फ फैक्ट्स में नहीं कंसेप्ट्स में भी आ सकते हैं, तो अगर आपको कोई भी कंसेप्ट वहां पे नजर आता है तो उसको भी जरूर समझने की कोशिश कीजिए। लेट्स डिस्कस कि सिल्वी कल्चर क्या होता है। सिल्वी का मीनिंग फॉरेस्ट एंड कल्चर का मीनिंग ग्रो करना। तो फॉरेस्ट ग्रो करना मीन सिल्वी कल्चर। तो फिर क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट्री से ये कैसे डिफरेंट है। फॉरेस्ट्री में क्या होता है, फॉरेस्ट्री में डील करते हैं हम ओनली प्लांटिंग एंड द ग्रोथ ऑफ ट्री के साथ, लेकिन जो सिल्वी कल्चर है उसमें क्या होता है, फॉरेस्ट की केयर एंड डेवलपमेंट करते हैं ताकि हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल पाए और उससे क्या हो, हमें बेनिफिट भी मिले, प्रोडक्ट्स भी मिले और उसके थ्रू हमें बेनिफिट्स भी मिले। तो इससे क्या होता है, दो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं, इसलिए फॉरेस्ट्री सिल्वी कल्चर से डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड विद असिस्टेंस ऑफ कौन सी स्टेट, कौन से कंट्री या फिर बैंक ने इसके लिए असिस्टेंस दी है। तो इसका जो आंसर है दैट इज जापान। जापान में जीका डेट इज जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जो है उसकी असिस्टेंस के थ्रू यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। और यह प्रोजेक्ट जो है वो 8 years के लिए कंटिन्यू रहेगा, दैट इज 2018-19 से लेके 2025-26 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरेस्ट इन हिमाचल प्रदेश कवर एन एरिया ऑफ 10 square kilometers एंड अकाउंट फॉर 10% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। फर्स्ट में आपने बताना है कि कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया फॉरेस्ट कवर करता है, दूसरे में आपने बताना है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का वो कितना परसेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन टू, 37,947, एंड जो टोटल परसेंट है वो है 68.16%। फ्रेंड्स इकोनॉमिक सर्वे के एमसीक्यूज का पार्ट वन यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो लेकर हम जल्दी ही आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।